दोस्तों, आज मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस मेडिसिन का नाम है माइसिट्रसिन आइंटमेंट। माइसिट्रसिन आइंटमेंट ज़ख्मों के लिए इस्तेमाल की जाती है और दर्द को फौरी ख़त्म करती है। ये ज़ख्मों को हीलिंग के लिए यानी ज़ख्मों को भरने में मुफीद है। इसमें तीन किस्म के एंटीबायोटिक होते हैं। ये ज़ख्म के दर्द को फौरी ख़त्म करती है, यानी ज़ख्म की वजह से जो दर्द होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ज़ख्म या खराश की वजह से जो जलन होती है उसमें भी माइसिट्रसिन आइंटमेंट बहुत मुफीद है। ज़ख्म की वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाए तो माइसिट्रसिन आइंटमेंट इन्फेक्शन को भी ख़त्म कर देती है। यानी माइसिट्रसिन आइंटमेंट ज़ख्म को भरने में काम करती है, इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, और इसके साथ ज़ख्म और इन्फेक्शन की वजह से जो दर्द या जलन वगैरह होती है तो माइसिट्रसिन आइंटमेंट उस दर्द वगैरह को भी फौरी तौर पर ख़त्म कर देती है। माइसिट्रसिन में तीन एंटीबायोटिक होते हैं जो ज़ख्म या इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद देते हैं। माइसिट्रसिन आइंटमेंट जले हुए ज़ख्मों में भी मुफीद है। ज़ख्म, दर्द और जलन में सब में एक साथ काम करती है। कटे हुए ज़ख्मों में भी मुफीद है। कहीं कोई खराश वगैरह आ जाए या कोई ज़ख्म हो जाए तो उसमें भी मुफीद है। खराश के ज़ख्मों में भी मुफीद है। मुतासर जगह को अच्छी तरह साफ़ करें। माइसिट्रसिन आइंटमेंट की थोड़ी सी मकदार ज़ख्म के मुताबिक लें और ज़ख्म पे लगा लें। दिन में 1 से 3 बार लगाएं। एहतियात, हालत में बेहतरी ना आए या मज़ीद बिगड़ जाए या खुजली या एलर्जी की कैफियत पैदा हो जाए तो दवा का इस्तेमाल बंद करके डॉक्टर से रजू करें। इसमें दिए गए किसी भी अज्जा से अगर एलर्जिक हों तो दवा का इस्तेमाल ना करें, आँखों में इस्तेमाल ना करें और जिस्म के बड़े हिस्से पर ना लगाएं। दवा को डॉक्टर की हिदायत के बगैर 1 हफ्ता से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसकी पैकिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी डब्बी है और डब्बी में ये माइसिट्रसिन आइंटमेंट कुछ इस तरह की होती है। ये तकरीबन 14 से 15 ग्राम की पैकिंग में होती है। इसकी कीमत सिर्फ 110 रुपये है और ये फाइजर कंपनी ने बनाई है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो दोस्तों, ये थी माइसिट्रसिन क्रीम, ज़ख्मों के लिए और ज़ख्मों के दर्द में बहुत अच्छा काम करती है।